नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचिन्मय गेमर में। मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी जिसकी वजह से वीडियो डालने में थोड़ी देरी हो रही है, और अभी भी पहले बुखार ने पकड़ा था, अब सर्दी ने पकड़ा। कोई नहीं, ये भी ठीक हो जाएगी जल्दी। तो मैं अपने उतरने का सोच रहा होता हूँ कि कहाँ पे उतरूँ। मुझे लगता है कि क्या पता शायद एंशिएंट रुइन पर बंधे हो, ये सोच के मैं एंशिएंट रुइन पर की तरफ ही कूद जाता हूँ। मैं इधर कूद तो जाता हूँ, लेकिन साला मेरे को एक भी बंदा नहीं मिलता। क्या यार, इधर बंदे क्यों नहीं आते? और जब आते हैं बहुत सारे आते हैं, और टीममेट मेरे साथ उतरते ही नहीं है। तो मैं अपने बस इस तोते के साथ टाइम पास कर रहा होता हूँ। टाइम पास क्या हो रहा है भाई, सर्दी में दिमाग में घुस गई। कोई नहीं, सामने बॉट थे तो उन दोनों बॉट्स को मारा। मेरे को पता था ये बॉट इस तरफ फायर कर रहे, मतलब कोई ना कोई तो होगा, शायद बंदा या फिर बॉट। तो बॉट ये होता है, दूसरी तरफ भी अपना टीममेट इधर किसी को मार रहा होता है, पता नहीं किस बंदे को टपका रहा होता है। तो इधर एक बॉट होता है, उसको भी मारा। इन दोनों का किल भी उठा लिया। अब इधर फिर से लूट कर रहा होता हूँ, तभी तीसरा बॉट आता है, तो तीसरे बॉट को भी ख़त्म कर देता हूँ। और मेरे टीममेट को देख लो क्या करता है। ओए हैवी ड्राइवर, ये कहाँ लेके जा रहा था, पता नहीं अंदर क्यों घुसा रहा था। मैं बोलता हूँ कि भाई हमको यहाँ से निकलने का, स्कूल की तरफ। इधर कोई नहीं है, इधर रुक के करेंगे क्या। लेकिन नहीं, टीममेट को पता नहीं कौन सी खुन्नस चढ़ी थी, गाड़ी लेके सीधा अंदर घुस जाता है। ये देख लो, मैं तो बस फोकट का इधर टोकन बटोरने के लिए आया था। और ये देख लो, फिर मुझे ही गाड़ी चलानी पड़ती है, और गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालना पड़ता है। पता नहीं ऐसा कहीं को चला रहा था मेरे को, मैं एक पल के लिए डर गया, गाड़ी पलटी तो नहीं होगी। लेकिन ये तो एक था ही नमूना जो गाड़ी को एंशिएंट रुइन के अंदर घुसेड़ रहा था। दूसरे नमूने को देख लो, देख लीजिए दूसरा नमूना जो अपनी ही गाड़ी पे शॉटगन चला रहा होता है। वाह 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 वाह, कितना बड़ा गधा है ये। मैं इसको बिठाता ही नहीं, क्योंकि क्या पता ये हमारी गाड़ी फोड़ दे, फिर जाएंगे कैसे, या तो नॉक हो जाएंगे या फिर ऐसे ही भागते हुए जाना पड़ेगा। उससे बेटर है इसको ही छोड़ देते हैं। अपनी गाड़ी पर कौन शॉटगन चलाता है। यहाँ पर थोड़ी सी गाड़ी ठुक जाती है, पेड़ पर ठुक जाती थी, गई थी सॉरी, उसकी वजह से मेरी हेल्थ कम हो गई। हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं सीधा स्कूल की तरफ। मैं बोलता हूँ स्कूल पे भाई सब बंदे हैं ऊपर, और ये बोलता है वही तो चाहिए भाई अपन को, वही तो चाहिए। मेरी हेल्थ कम थी तो मैंने अपना बैंडेज लगाया। मैं इधर उधर चेक किया कि कहीं पर बंदे हैं कि नहीं, लेकिन इस बिल्डिंग में कहाँ पर छुप के बैठा था वो पता नहीं, कैंपर था लेकिन पूरा का पूरा कैंपर था। हम ऊपर गए, हमको कुछ नहीं मिला, कोई नहीं मिला। टीममेट को बॉट का किल चाहिए था, इसलिए टीममेट इधर से नीचे ही कूद गया। देख लो, अपने टीममेट को बॉट मारने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी थी, वो नीचे गया, लेकिन बॉट का किल मैंने चुरा लिया। लेकिन इधर कोई तीसरा ही बैठा था जिसने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया, मैंने उसको नॉक कर दिया। अब अपने टीममेट को बचाना ज़रूरी था, इसलिए मैं नीचे कूद गया। अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए मैंने सोचा उसको घर के अंदर रिवाइव दे दूंगा, वो अपने टीममेट को रिवाइव देगा, मैं अपने टीममेट को रिवाइव दूंगा। अगर वो मरा तो शायद वो अकेला होगा, क्योंकि नॉक तो हुआ था ना, अब कोई ना कोई रिवाइव करेगा ज़रूर शायद। और होता भी कुछ ऐसा ही है, मेरे को इधर पॉकेट का किल मिलता है, वो पॉकेट का किल छोड़ेंगे कैसे भाई। शायद वो किल मेरे लिए छोड़ के गया होगा कोई बंदा, भला हो उसका। अब सामने की तरफ मेरे को छोटे छोटे फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, पता नहीं कौन था। अंदर जाता हूँ तो एक बॉट होता है, उस बॉट को भी मैंने नॉक कर दिया। अब ऊपर होता है वो बंदा छत के ऊपर, और देखो कैसे मारते हैं हम दोनों उसको। क्राउच करके कैंपिंग करेगा बेटा, है बेटे कैंपिंग। तो मैं इधर लेट के इसकी थोड़ी सी पेटी लूट लेता हूँ, लेकिन अपने टीममेट के लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए, इसलिए एमओ इसी को छोड़ देता हूँ, इसीलिए छोड़ देता हूँ इसको। अभी मैं उस बंदे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ जिसने मेरे टीममेट को नॉक किया था,
और मैंने उसको नॉक किया था, लेकिन वो रिवाइव हो गया था। मैं बोलता हूँ कि इधर आ जा, अपन दोनों साथ में उन दोनों का भुर्ता भजिया बना डालेंगे। क्या भाई? और होता भी कुछ ऐसा ही है। मैं इसको बुला रहा हूँ तो कि भाई आ जा, इन दोनों की वाट लगानी पड़ेगी अब। लेकिन ये आते आते एक एनिमी को ही नॉक कर देता है। मेरे को लगा चलो अच्छा मौका है, ऊपर चलता हूँ। लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आता है नहीं भैया, अगर मैं गया तो ये मेरे को ही खा जाएगा शायद, इसलिए पहले मैंने बोला भाई इधर ऊपर आ। लेकिन ये आ नहीं रहा होता है। मैं नीचे गया और इसको अपने पीछे पीछे बुलाया, आ जाए मेरे पीछे। ये पहले इधर चेक किया थोड़ा बहुत, लेकिन इधर कुछ नहीं होता है। टोकन मिलता है तो टोकन उठा लिया, लेकिन इसका मैं इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। मेरे को पता था ये फर्स्ट फ्लोर पर है, सबसे ऊपर, तो मैंने इसको बुलाया सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है। और जैसे ही ये ऊपर आया मेरे साथ, हम दोनों ने मिल के रश किया। कैंपिंग नहीं बेटा, कैंपिंग नहीं, कैंपर्स। मेरे को भाई कसम से बहुत ज़्यादा बकवास लगते हैं। मैं पता नहीं इनको कैंपिंग करके कौन सा सुख मिलता है। छोड़ो जाने दो, तो मैं इधर थोड़ी लूट करता हूँ। लेकिन किसी ने मोली फेंक दी भाई, पता नहीं कौन मोली फेंक रहा था। पता नहीं, शायद अपने टीममेट तो फेंकेगा नहीं। अब शायद बॉट ने फेंकी, बॉट नहीं फेंकते भाई, क्योंकि इसके बाद इधर एक बॉट ही था। बंदा थोड़ी ऐसे ही ऊपर में आके लेटेगा। इधर एक बॉट होता है तो उसको भी मार ही देता है। मैं अपना ये टीममेट बोल रहा होता कि वो गाड़ी मंगाई। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मेरे को लगा शायद कोई गाड़ी लेके आया होगा, मेरा किल चोरी ना कर ले, इसलिए मैं अपना किल सेव कर लेता हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद इस बिल्डिंग के अंदर बंदे होंगे, शायद, क्या पता हो या ना हो। लेकिन जून भी आ रहा था, क्या इनसे फाइट करते बैठेंगे। दूसरा बॉट आता है, उसको भी ख़त्म किया। इसके पास था 6x, मैं उसको दे देता हूँ टीममेट को कि भाई तू रख ले 6x, मैं 3x ही चलाऊँगा, क्योंकि मैं अच्छी लूट अपने टीममेट को देता हूँ ताकि वो अच्छे से बंदूक को मार सके। इसलिए मैं सबसे अच्छी लूट इन्हीं को देता हूँ। तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ सीधा जोन की तरफ। अभी सामने की तरफ आ रहा होता है एक एयर ड्रॉप, तो सोचते हैं कि चलो उस एयर ड्रॉप को लूटते हैं, क्या पता उसमें AWM पट्टा से हेडशॉट बजा सके, क्योंकि टीममेट के पास एटेक्स भी पड़ा था, एटेक्स से बजा सकेंगे। लेकिन भाई हमको क्या पता था, वहाँ पर पहले से ही कैंपर बैठे हैं। हम इधर उतर जाते हैं ड्रॉप लूटने के लिए। मैं नहीं लूटता, अपने टीममेट को ही देता हूँ। आगे आता हूँ तो भाई सीधा फायर। मैं इधर चेक करता हूँ कि क्या पता इधर कहीं पर हो चेक मैं। लेकिन भाई मेरे को कोई बंदा दिखता ही नहीं है। टीममेट MG3 उठाता है और मेरे को गाड़ी में बिठा के यहाँ से लेके जाता है। मैं बोलता हूँ कि उधर मत लेके जा, उधर बंदे हैं। तो वैसा ही करता है, ये उधर नहीं लेके जाता, हमको दूसरी तरफ लेके जाना। हम दूसरी तरफ आ जाते रोजॉक पे, और रोजॉक पे इधर एक बॉट होता है तो उसको मारा। लेकिन इसके साथ एक और पीछे से बंदा आ रहा था, जिसको कैसे कैसे मार ही दिया। पहले स्प्रे मारा, स्प्रे का पूरा सत्यानाश हो गया। फिर बाद में वापस से उसको मारने की कोशिश की, इस बार मर गया। फुल लूट पाट करके अब हम निकल पड़ते सीधा उनके ऊपर रश करने। इधर फायर बहुत हो रहे थे तो मैं पहले नीचे उतरा। इधर एक बॉट था तो उस बॉट का भी मुंह पहले बंद कर दिया मैंने। टीममेट आगे गया तो उसको एक बंदे ने MK14 से नॉक किया। वो मेरे पीछे आया तो मैंने उसको नॉक कर दिया और आके टीममेट को रिवाइव कर दिया। अब इसके साथ इसके टीममेट्स थे, एक नहीं दो थे टीममेट्स, ठीक है ना, दो टीममेट्स थे। अगर वो चाहते तो आके बचा सकते थे अपने टीममेट को, लेकिन नहीं, इनको बस ऊपर कैंपिंग ही करने में मज़ा आता है। सुनो, देखो दो टीममेट्स थे, मतलब हम दो एनिमीज थे उनके लिए, एक एनिमी नॉक था, तो ये दो आके मुझे आराम से मार के जीत सकते थे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऊपर मोली वोली फेंक दी, क्या पता मोली से जल वल जाए, क्योंकि ये नॉक था तो इसके टीममेट वगैरह तो कुछ होंगे। लेकिन मैं पता नहीं कहाँ पे कैम करके बैठे थे, इधर कैम करके बैठे थे ये पक्का था। अच्छा हुआ अंदर नहीं घुसे, मेरे को लगा शायद एक ही बंदा होगा
जो शायद नीचे कूद गया, लेकिन ही नहीं क्योंकि कांच फूट गए ना, लेकिन वो कांच बंदे ने नहीं फूटे, मैंने जो पेट्रोल पे मोली फेंकी उसकी वजह से फूट गए। मैं नीचे ढूंढने लग जाता हूँ कि कहाँ पर है बंदा, किधर है, लेकिन ये रोजॉक की दूसरी तरफ ये सामने की तरफ पता नहीं कौन बंदा था जो हमको मार रहा था, और ये स्मोक किसने किया पता नहीं, स्मोक भी किसी और ही बंदे ने किया, मार भी कहीं और से ही रहा है कोई बंदा। मेरे को लगा शायद गैराज की तरफ होंगे बंदे, लेकिन इस गैराज के अंदर भी कोई होता नहीं है। ये बंदे होते तो हैं ऊपर, लेकिन आते बिल्कुल भी नहीं है बाहर, और टीममेट इधर बैठता है और उस टीममेट को भी फटके पड़ने लग जाते हैं, और फटके खा खा के वो नहीं होते हैं। मेरा भी ध्यान है इसके एचपी पे, और फिर देखो क्या होता है। भाई मैंने जिंदगी में बहुत कैंपिंग की है, मार दे मेरे को। ओके मर जा। ओए ये कहाँ से आ गया, ओए मेरे को वन एचपी कर दिया। मेरा ध्यान नहीं था अपनी एचपी पे, और टीममेट भी देख लो आके नॉक हो गया रास्ते पे आ गया, और मेरे को बोलते हैं मार दे भाई इसको, अंदर घुस के मार। कैसे मारो भाई, अच्छा हुआ नूबड़ा था, क्राउच करके मार रहा था। एचपी देख लो भाई मेरी, इतनी एचपी में मैं जिंदगी में कभी नहीं लड़ा। जब मेरा ध्यान अपनी एचपी पे गया तब मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन था। इनको मारने के बाद हम थोड़ी इनकी लूट उठा लेते हैं, और जब लूट उठा रहा होता हूँ तब मेरा टीममेट सुनो कि मुझसे क्या सवाल पूछता है ये बंदा। अभी इसका एक साथी का है भाई, मैं उसको बोलता हूँ भाई ये डायरेक्ट फिनिश हुआ है इसका, ये तीन ही बंदे थे, एक को नीचे धोया, दूसरे को ऊपर आके मैंने धोया, तीसरे को वन एचपी में धोया, तीसरे ने मेरे को धोया लेकिन मैंने उसको पूरा ख़त्म ही कर दिया। अब हमारे अलावा बचे थे सिर्फ दो बंदे, सॉरी तीन बंदे बचे थे हम लोगों के अलावा, अब तीन से हो गए थे दो, सॉरी तीन ही थे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मर गए। और वो बंदा कहाँ पर गया जो हमारे ऊपर वहाँ पहाड़ से हमको मार रहा था, तो यहाँ पर नीचे फुटस्टेप आ रहे थे, मेरे को लगा बंदा होगा, इसलिए मैं इधर ही कैम करके बैठ गया उनके तरह, क्योंकि टीममेट तो कुछ करने वाला है नहीं, MG3 लेके बस ऐसे ही नाच रहा है ये बंदा, मार तो रहा है नहीं MG3 से, एक बंदा नॉक नहीं किया इस नूबड़े ने। अब शायद मैं सारे किल में ही उठा लिया, शायद इसकी वजह से मैं इधर बैठ गया, क्योंकि टीममेट नीचे घूम गया, उसको बंदा मिला नहीं, मैं नीचे आ गया। अच्छा किया जो मैं नीचे ही आ गया पुश करने के लिए, फिर देखो क्या करता है ये एनिमी, अच्छा हुआ जो उधर से भाग गया, और एनिमी बाहर होता है तो मैं पहले अंदर गया, इसको कम मारा और फिर से अंदर आके कवर का इस्तेमाल करके मारा। अब बस बचा था एक ही बंदा, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चिल मारते हैं कि एक ही बंदा बचा है, ड्रोन जब आएगा तब सामने तो आएगा, तब इसको ढूंढेंगे, ये सोच के इधर आराम से थोड़ी देर के लिए टाइम पास करके बैठ जाते हैं। हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब बंदा आएगा, और फिर देखो बंदा कहाँ से आता है, बंदा नहीं बॉट ही था वहाँ, बंदे सब लोग जोन से मर गए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं वीडियो को लास्ट में बोलता हूँ यार, कर दिया करो यार सब्सक्राइब, ऐसे अच्छी खासी वीडियोस तो मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।